हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस, अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं। अभी मैं जस्ट उठा ही हूँ, आप देख सकते हैं। और उठते ही मेरा फर्स्ट जो प्राइम वर्क है वो एडोरा की जो फर्स्ट मील होती है वो प्रिपेयर करना है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या प्रिपेयर करता हूँ, कैसे करता हूँ। ये आप देखते रहिए, ये जो रॉयल कैनन बॉल्स हैं ये जितना सॉफ्ट होगा उतना इसके लिए डाइजेशन इजी होगा। ये अगर हार्ड रहेगा तो इसके लिए डाइजेशन ठीक नहीं होगा, वो समवेयर इसको हार्म करेगा और वॉमिट के भी चांसेस होंगे। तो मेक श्योर कि आप इसको जब पोर करते हैं, वाटर बॉयल करते हैं या गर्म करते हैं, तो उसको मिनिमम 10-15 मिनट्स के लिए आपको रखना होगा, उसके बाद ही आप इसको मैश कर सकते हैं। अब मैं अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको इसका फीडिंग बॉल, तो आप ये देख सकते हैं, ये प्रूफ है। क्या दिख रहा है आपको? एकदम क्लीन, ये अच्छी बात है यार। इनफैक्ट कभी कभार तो हम भी खाना छोड़ देते हैं, बट ये कभी नहीं छोड़ती। दैट्स अ वेरी 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 गुड हैबिट इन हर, बहुत बढ़िया है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और गाइस एक चीज़ और आपको दिखानी है, एक सरप्राइज है। आप कमेंट में बताना मुझे कि वो सूट कर रहा है मुझे, नहीं कर रहा, कैसा है। जस्ट वेट एंड वॉच। रुको जरा, सबर करो। सो गाइस हियर इट इज, ये सरप्राइज था। ये स्पेक्स कैसा लग रहा है आपको, एविएटर लुक? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइए। और ये मैंने ऑर्डर किया था लेंसकार्ट से, बहुत अच्छी सर्विस थी। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि मैं अपना स्पेक्स चेंज करूं, बिकॉज जो मेरा प्रीवियस स्पेक्स था वो टूट चुका था, पूरा का पूरा क्रैक हो चुका था। और तभी मैंने जो ब्लॉग स्टार्ट भी किया है तभी मैं ऑफ स्पेक्स था, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बिना स्पेक्स के होता है। अगर आप रेगुलर वेयर कर रहे हैं और आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो आपको स्पेक्स पहनना ही पड़ेगा, और अच्छी क्वालिटी का लेंस होना चाहिए। तो मैंने फिर लेंसकार्ट से उसको ऑर्डर किया, ये आप देख सकते हैं, लेंसकार्ट से क्वालिटी अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस है, और एक डिस्काउंट ऑफर भी मिला था, बिकॉज मुझे जो इसका प्राइस था उससे आप लगा लीजिए 40-50% का डिस्काउंट मुझे मिल गया है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जिसको भी स्पेक्स चाहिए जो रेगुलर वेयर है तो मस्ट ट्राई करें लेंसकार्ट से, ओके। बाकी यार अभी मैं नहाता हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, और एडोरा भी आज देखो बहुत टायर्ड लग रही है, बार बार स्लीपी मोड पे है। सी एडोरा, यार शाम हो चुकी है, किसी को हाय हेलो बोलना है या नहीं? नहीं बोलना। अच्छा, जीप दिखाई जा रही है, बहुत तेज़ है। तो गाइस अभी मैं नहाता हूँ, फिर मैं रेडी होता हूँ, रेडी होने के बाद मैं आपको सीधा ले चलता हूँ डी मार्ट, और वहाँ आप देखिएगा कि रीज़नेबल बजट में आपको क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या आप देख सकते हैं। बाहर का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँ तो वो एक बार देखिए आप, बाहर वेदर आज अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ह्यूमिड है बट इट्स ओके यार, हीट नहीं है, देख सकते हैं आप। ये हमारा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, एनसीआर का नहीं बोलूँगा यार, क्योंकि गुड़गांव में इससे भी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। ये दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, एमरलीस कंस्ट्रक्टिंग बाय यूनिटी ग्रुप। तो ऐसा कुछ बाहर का हाल है, तो अभी हम अंदर चलते हैं, रेडी होना है। और यार खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि मैं नहाने जा रहा हूँ और रेडी होता हूँ, रेडी होने में मैंने यही एक ब्लैक लोअर पहना है और एक नॉर्मल टी शर्ट, जो मुझे बहुत पसंद है यार, मतलब मैं क्रिकेट खेलने भी जाता हूँ तो यही पहनता हूँ। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, सिर्फ 2 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि क्या ले सकते हैं हम। और मेनली जो एडोरा का जो फीडिंग बॉल है वो लेना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं मिलता तो फिर सेकेंड ऑप्शन यही है कि ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। बट ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था, जो साइज़ हमने मेंशन किया था उससे बहुत बड़ा साइज़ आया था, वो इतना बड़ा साइज़ आ गया था जैसे कि किसी गाय को खिलाना हो खाना, तो वो फिर रिटर्न कर दिया है।
तो अब देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। और एडोरा के लिए अगर कोई ड्रेसेस मिलती हैं बहुत छोटी न्यू बॉर्न बेबी वाली तो वो बाय कर लेंगे। बाकी आज मैं आपको एक न्यू मेंबर से मिलवाना चाहूँगा। मेरी सेहत का राज आप देख रहे हैं? हाँ, क्या सेहत का राज है आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी सेहत का राज क्या है। आ जाइए मेरे साथ। ओहो, दरवाज़ा बंद है, ऐसा क्या हो रहा है? एंडोरा मस्ती कर रही है। एंडोरा क्या बात है, खाना आपको मिल नहीं रहा अभी? अच्छा, पानी गर्म हो गया। अच्छा, मैं दिखाना चाहूँगा गाइस आपको, मेरी सेहत का राज है ये ब्यूटीफुल सी आंटी जी। मतलब मैं जितना भी तंदुरुस्त दिख रहा हूँ आपको पिछले 6 महीने से, उसका राज सिर्फ आंटी जी हैं। और आंटी जी बहुत प्यारी हैं, मतलब मदर की तरह हमें ट्रीट, मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। वो जो मैं आपको वीडियो में बता रहा था पकोड़े या पराठे, सॉरी मुझे कुकिंग नहीं आती, चाय बनाने के अलावा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सो गाइस, एक्चुअली उस मोमेंट पे आई डोंट नो क्या टेक्निकल इशू हुआ था, वीडियो स्टॉप्ड हो गई थी। तो आंटी जी भी भिंडी प्रिपेयर कर रही हैं, वैसे मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता बट ठीक है मैं खा लेता हूँ। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और थोड़ी बारिश भी आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे दिखेगा नहीं यहाँ से, बारिश अभी आई नहीं है बट आप देख सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन हो चुका है, थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो आने के चांसेस हैं बारिश के। बट हम सोच रहे हैं कि फिर हम जाएं या ना जाएं, अगर जाएंगे कहीं बीच में बारिश ना आ जाए ज़्यादा तेज़ और हमें वहीं रुकना पड़ जाए। बट उससे पहले मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो एडोरा वेट कर रही है अपने खाने का, तो मैं उसको खाना प्रिपेयर कर लूँ। देखिए एक बार मैं उसको खाना दे देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं जाते हैं नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, अभी हम फर्स्ट फ्लोर जा रहे हैं। इसमें अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो ये एक बहुत ही बेस्ट फैसिलिटीज़ है यार, हमारे लिए वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हमें नॉट इवन मार्केट में जाना पड़ता, यहाँ पे सब अवेलेबल रहेगा अभी हम। सो गाइस, एडोरा के लिए तो फीडिंग बाउल मिला नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए कोई गारमेंट मिल जाए। बट जो टी शर्ट है उसका साइज़ भी अवेलेबल होगा नहीं, बिकॉज मैं 10 दिन पहले यहीं आया था सेम स्टोर पे, और जो न्यू बॉर्न बेबी का स्टफ़ होता है जो साइज़ है वो अवेलेबल था नहीं, बिकॉज़ ह्यूमन के बेबी का साइज़ डिफरेंट होता है और जो पेट बेबी होता है वो डिफरेंट होता है। तो देखते हैं अगर यहाँ पे मिलता है तो लेके जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ, नीचे भी देख रहा हूँ, ऊपर भी देख रहा हूँ, बाकी पॉसिबल है तो देखते हैं। सो गाइस, एडोरा का जो फीडिंग बॉल है वो तो मिला नहीं, बट उसके लिए जो बाथिंग टब था वो फाइनली मुझे मिल चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये पिंक कलर का इसका बाथिंग टब हो गया। यार आज क्राउड बहुत है यहाँ पे, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिल पा रहा कि आप क्या सर्च करें क्या नहीं। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि बहुत हसल है, जैसे मार्केट में होता है, फिशी मार्केट होती है। बट इट्स ओके यार, एयर कंडीशन है, कवर्ड है और कन्वीनियंट है यार, तो बेस्ट है। मल्टीपल आइटम्स आपको मिल जाती हैं यार, अपने हाउस होल्ड कुछ लेना हो, अपने गारमेंट लेने हो, अपने अप्लाइंसेस लेने हो, वॉट सो एवर यू वॉन्ट टू बाई यार, तो अच्छा है। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो आपको मैं बताता हूँ।
सो गाइस कैसे हैं आप सब? मैं आ चुका हूँ शॉपिंग करके, और शॉपिंग करके मज़ा भी बहुत आया और हेक्टिक भी था यार, बिकॉज बहुत क्राउड था। इतना तो नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 10-20 लोग होंगे और आराम से 10-15 मिनट में आ जाऊँगा, बट वहाँ मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग गए। जिस पर्पज़ के लिए मैं गया था वो मुझे मिला ही नहीं। देख लो, एडोरा के लिए जो मैं फीडिंग बॉल लेने गया था वो मिला नहीं मुझे, बाथ टब लेने गया था, बाथ टब भी छोटे साइज़ का आ गया है, वो भी रिप्लेस करवाना पड़ेगा, तो मुझे एक बार और जाना पड़ेगा। इट्स ओके। बाकी डिनर हो चुका है, बहुत ज़्यादा हंग्री था यार, तो मेरे से रुका नहीं गया, और मैं ये व्लॉग की एंडिंग भी काफ़ी लेट कर रहा हूँ। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक गुड न्यूज़ है मेरे लिए भी है, और आप मेरे व्यूवर्स हैं, फैमिली, और आपके लिए भी है। जो मेरा सेकेंड व्लॉग है वो पब्लिश हो चुका है, पोस्ट कर दिया है मैंने। आप प्लीज़ जाइए, जाके देखिए, पीछे जो बैक स्क्रीनिंग है आप इसमें देख सकते हैं, जाके देखिए। एज आई ऑलवेज से कि आपका जो भी सजेशन होगा, जो भी फीडबैक होगा, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है और एक लर्निंग पीरियड है, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली न्यू विद दिस, और मेरा बहुत मन है ये चीज़ करने का, और ये मैं किसी से मतलब इंस्पायर हूँ, ऐसा नहीं कि इंस्पायर नहीं हूँ, काफ़ी लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कैमरा फ्रेंडली होना, जैसे मैं हमेशा कह चुका हूँ, और मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आई गेस कह चुका हूँ ये भी। तो आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें बेटर कर सकता हूँ। बाकी मैं प्लान कर रहा हूँ कि अपने एंड से जो भी ऑथेंटिक है, रियल है, वो चीज़ पब्लिश करूँ, वो चीज़ क्रिएट करूँ, सो दैट आप भी कनेक्ट हो पाएँ। तो मेन रीज़न ये है कि कनेक्शन का, अगर आप मुझसे कनेक्ट करेंगे तो ही आप मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और एंड तक देखेंगे, ये मैं जानता हूँ। बट स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप देखिएगा, पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, जितना भी हो सके सब्सक्राइब करवाइएगा, जो कि एक बूस्टर होता है। तो ठीक है गाइस, अब मैं ज़रा लॉक कर देता हूँ ज़रा, और गुड नाइट कहते हैं हम। एडोरा कहाँ है? एडोरा भी नहीं है यहाँ पे, आई थिंक एडोरा सोने जा चुकी है। एडोरा आज काफ़ी स्लीपी मोड पे थी, मतलब मॉर्निंग से वो खा रही है, सुसू कर रही है और सो रही है, खा रही है, सुसू कर रही है, सो रही है, उसने और कुछ नहीं किया, खाना सोना सुसू करना, खाना सोना सुसू करना, आज खेले भी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज शाम को मैं भी नहीं था 2-4 घंटे के लिए, और वो क्या करती है यहाँ पे अकेली। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, एंड डू लव एंड स्प्रेड लव। गुड नाइट।